रविवार को दुर्गापुर बराज से बांकुड़ा के गंगाजल घाटी तक एक बाइक रैली निकाली गई। ये बाइक रैली किसी राजनीतिक दल द्वारा अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं निकाली गई थी। ये रैली यूथ इन एक्शन नाम के एक संस्था द्वारा निकाली गई थी। इसके जरिए उन्होंने एक पूर्व सेनाकर्मी गंगाजल घाटी के रहने वाले विमान सिंह को सम्मानित किया। दरअसल विमान सिंह ने 2005 से सेना में अपनी सेवा देने के बाद अवकाश ग्रहण किया। उन्होंने सोचा कि जिस तरह पिछले 15 सालों से वह देश की सेवा करते आए हैं, अपनी मौत के बाद भी वह देश की सेवा करेंगे। इसी वजह से उन्होंने भारत सरकार से स्वास्थ्य मंत्रालय से अंग दान करने की अनुमति मांगी, जो उनको मिल गई। विमान सिंह के काम को लोगों तक पहुंचाने के मकसद से यूथ इन एक्शन नाम के संगठन ने उनको फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इस मौके पर विमान सिंह ने कहा कि जैसे पिछले 15 सालों से सेना से रहकर देश की सेवा करते आए हैं, मौत के बाद भी वे देश की सेवा करना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि नई पीढ़ी भी आगे बढ़कर अंग दान करे। এলাকার যুবকরা এলাকার মাতৃশক্তি নারী শক্তিরা আজকে আমাদের সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য ইউথ ইন অ্যাকশনের হয়ে ওরা আজকে একটা সম্বর্ধনা এই এত সুন্দর প্রসেসিং করেছে। আমি সর্বপ্রথম ওদের ধন্যবাদ জানাই আমার এলাকার মাতৃশক্তি নারী শক্তি এলাকার সমস্ত লোকদের। এই এখানের আমার যারা প্রশাসন কর্তারা ছিলেন তারা যেভাবে 15 বছর আমি যখন বাইরে ছিলাম আমাকে কোনো চিন্তায় থাকতে হয়নি, ধন্যবাদ ওনাদেরকে জানাই সর্বপ্রথম। আমি একজন প্রশাসনিক কর্তা ছিলাম, তাই আমার একটাই জীবন নিষ্ঠার সাথে ওনাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার শিক্ষাগুরু, ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার রাজনৈতিক গুরু, ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে যারা মার্গদর্শন ও প্রদর্শন ছিলেন, যারা আমাকে ঠিক জায়গায় আজকে এখানে দাঁড় করিয়েছেন, ধন্যবাদ। বিভিন্ন জায়গায় ছিলাম, জম্মু কাশ্মীরে ছিলাম, বর্ডারে বিভিন্ন জায়গায় ছিলাম, পাটিয়ালায় ছিলাম, কলকাতায় ছিলাম, দিল্লিতে ছিলাম, এইভাবে বিভিন্ন জায়গায় ছিলেন। আমি আর্মিতে ছিলাম, ফোর্স অফ সিগন্যালে ছিলাম। আর আমি খুবই আপ্লুত যে এলাকার একজন এইরকম এক্স সার্ভিস ম্যানকে এত সুন্দরভাবে যুবরা, আমি চাই এইটা এদের মধ্যে দেখতে চাই, এই জোশ এই জজবা দেখতে চাই। আপনি হঠাৎ করে নিজের শরীর অঙ্গ দান করার সিদ্ধান্তটা কীভাবে নিলেন? সিদ্ধান্ত দেখুন, একজন ন্যাশনাল অর্গান ডোনার হিসাবে নিজেকে অ্যাফিলিয়েটেড করার কারণ এটাই। আমি চাই যে আমি তো ভারত মায়ের সেবা করেছি, আমি চাই এলাকার যুবকরাও যাতে এই একটা দৃষ্টান্ত থাকে যে আমরা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার পর আমাদের যদি কোনো অঙ্গ এই ভারত মায়ের সেবায় কাজে লাগে, দেশের যুব শক্তির কাজে রিসার্চে কাজে লাগে, দেশের কোনো সায়েন্টিফিক রিসার্চে কাজে লাগে, সেই কারণেই আমি অঙ্গদানের যে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এটা বাড়ির সকলের মানে পারমিশন, সবাইকার পারমিশন নিয়েই করেছি। লিখিত डॉक्टर राहत इंदौरी की याद में आवाज़ की जानिब से ताज़ियाती नशस्त का इनेकाद बनपुर नई बस्ती के मॉडर्न नेशनल एकेडमी में हुआ। साथ ही साथ महबूब अनवर, साहिल मुंगेरी, इरफान रिजवी, फरहाद मुंगेरी, ऐमान भागलपुरी, शबनम बनपुरी, शकील जामे इलाहाबादी, डॉक्टर कलामुल्ला खान को भी याद किया गया। मैंने इस मुल्क में माजी के दरीचे खोले ताकि बच्चों में कुछ असलाफ बनाती हो। जैसा कि आप जानते हैं कि ये ताजियती मस्जिद है, तो मैं यहां से आगाज कर रहा हूं कि अफगान की दौलत कहते हैं, इजहार की अजमत कहते हैं, अफगान की दौलत कहते हैं, अफगान के इजहार की अजमत कहते हैं, हम एक जियाले शायर को इंदौर का राहत कहते हैं। आवाज एक ऐसा अदारा है जो अपनी मुताज नहीं है और अपनी एक पहचान बनाई है, शनाख्त बनाई है।
मैं आवास के प्रोग्राम में तो शरीक नहीं हुआ था, पहली बार शरीक होने का मौका मिला है, लेकिन रूहानी तौर पर मेरी हमारा स्पीकर तमाम प्रोग्राम होती थी, तमाम भाई तफसीलात मिलकर के भेजते हैं और उसको जो है हम अखबार में शायद कर देते हैं। बारह मैं जो कुछ मौजूदा सूरत हाल है उस पर कुछ दो तीन शेर के आधार हैं जिनके शायरों के और बुजुर्गों की महफिल है, मैं शायर नहीं हूँ लेकिन दूसरों के अच्छे अशार जो याद हैं उस पर चला। हसन नकवी सिकंदरपुरी के शेर के हैं, हसन नकवी सिकंदरपुरी कहते हैं कि टूटे शीशे छूटे सागर ये देखें या गीत देखें, टूटे शीशे छूटे सागर ये देखें या गीत देखें, मैं खाने का हाल है अक्सर ये देखें या गीत देखें। और प्रोग्राम करने के बाद आज भरतपुर ब्रांच की ओर से आवाज़ भरतपुर ब्रांच की ओर से आज प्रोग्राम किया गया, तो उससे पहले बहुत सारे लोगों ने इस पर बात की है। अगर आवाज डॉक्टर राहत इंदौरी के साथ आज भी खड़ी इसीलिए नजर आ रही है कि हिंदुस्तान के पूरे पैमाने पर और खास करके मगरबी बंगाल में भगवान पश्चिम जिला के सेक्रेटरी नुमान अकबर साहब ने जो बात बताई आपको की आवाज क्या काम कर रही है, यकीन मानिए वो चाहे डॉक्टर कफील खान को रिहा करना होगा, वो चाहे हिंदुस्तान के बदलते हुए हालात उनके ऊपर खाया, कलकत्ता की सरजमीन से भरतपुर की सरजमीन तक जहां भी सड़कों पर जब हम माइक के सामने खड़े होते तो यकीन मानिएगा वो इनकलाब इनकलाब तब तक पूरा नहीं होता है जब तक राहत इंदौरी का शेर न बोला जाए। तो इसीलिए आज आवाज के बैनर के तहत रहमत नगर की सरजमीन पे इनकलाब शायर डॉक्टर राहत इंदौरी को खराज अकीदत। और जब हम लोग बैठे सवाल होगा जिस पर साइंस क्या है, साइंस इज द नेचर ऑफ बिहेवियर, साइंस इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर, साइंस रवैये का मुताला है, साइंस फितरत का मुताला है, साइंस का बहुत सारी शाखें हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं हम लोग, इनमें तबियात है, इनमें हयात है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है। आज हम आप लोगों को बायोलॉजी इनमें हयात जिसको लिविंग इंसानों को जिसके बारे में हम लोग जानदार चीजों का मुताला करते हैं उसके बारे में है बारे में आसन में बताना मकसद है। साइंस के बताने से पहले कुछ डिस्कवरी के बारे में बताना नहीं चाहता हूँ। हम लोग तो ये जानते हैं कि टेलीफोन का ग्राम बेल ने सबसे पहले डिस्कवर किया। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव 2021 में होने हैं लेकिन तोड़जोड़ का सिलसिला जारी है। आज बीजेपी के राजा मुखर्जी और बापी देवनाथ ने मंत्री मलय घटक के हाथों तृणमूल कांग्रेस का झंडा थामा। बंटी चक्रवर्ती इस मौके पर खास तौर से मौजूद थे। 23 नंबर वार्ड वासित एवं बीजेपी इंटेलेक्चुअल सेल आसनसोलर दायित्व जे আছে राजा मुखर्जी নর্থ এবং সাউথ দুটো জায়গা ইন্টেলেকচুয়াল সেলের যার দায়িত্বে আছেন
श्री राजा मुखर्जी आज के बीजेपी दल छेड़े तृणमूल कांग्रेस जोगदान करें আমরা তাকে স্বাগত জানাই। আগামী দিনে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আরো শক্তিশালী করার জন্য রাজা মুখার্জি কাজ করবেন, আমাদের সঙ্গে থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠনকে শক্তিশালী করবেন। বাপি দেবনাথ আর বাপি দেবনাথ আছে রাজার সাথে, রাজা মুখার্জির সঙ্গে বাপি দেবনাথ, বাপি দেবনাথও আজকে যোগদান করবেন তৃণমূল। এবং হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট, তেইশ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপির প্রেসিডেন্ট। এবং রাজা এবং দেবনাথের সাথে যে সমস্ত বিজেপি কর্মীরা আছেন সংখ্যায় 200 তারাও আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে। বলছি দাদা, আজ আপনি বিজেপি ছেড়ে পড়ে টিএমসি কি কারণে জয়েন করলেন? টিএমসি জয়েন করলাম এই কারণে, টিএমসি জয়েন করলাম আমাদের যোগ্য সম্মান আমরা টিএমসিতে পাবো। আমরা বিজেপি ইন্টেলেকচুয়াল সেলে কাজ করি। ঘটনা হচ্ছে যে এলাকাতে ছোটোখাটো ঘটনাকে নিয়ে একটা বড় ঘটনার সৃষ্টি করে দেওয়া, এটা ঠিক নয়। আমরা চাই এলাকাতে রাজনৈতিক মতবিরোধ থাকতেই পারে, কিন্তু ব্যক্তিগত শত্রু আমাদের কারোর সঙ্গে নেই। আমরা চাই এলাকায় শান্তি সম্প্রীতি বজায় থাকুক, দল দলের জায়গায় থাকবে, মানুষ মানুষের জায়গায় কাজ করবে। আর আমরা চাই বান্টি চক্রবর্তীর নেতৃত্বে, মলয়দার নেতৃত্বে আমরা কাজ করব এবং মমতা ব্যানার্জির হাত আমরা শক্ত করব। আজ তাও আপনার কতজন জয়েন? আমরা 200 জয়েন করেছি। কোন ব্লক থেকে? 23 নম্বর ওয়ার্ড। 23 নম্বর ওয়ার্ড। আপনি মানে বিজেপির কি মানে কি পোস্ট দায়িত্বে আছেন? আমি বিজেপির আসানসোল নর্থ এবং আসানসোল দক্ষিণ আমি ইন্টেলেকচুয়াল সেলের কনভেনার অলিখিতভাবে। আপনার নাম? রাজা মুখার্জি। আর এটা হচ্ছে বাপি দেবনাথ। আমি ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট বিজেপি। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के ऐतिहासिक 5 पांडव मंदिर में विधायक जितेंद्र तिवारी के नेतृत्व में श्री श्री पांडव मुनि पूजन महोत्सव का आयोजन किया गया। विधायक जितेंद्र तिवारी और उनकी पत्नी श्रीमती चैतली तिवारी इसमें शामिल हुए। उन्होंने पूजा अर्चना की तथा आशीर्वाद लिया। उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पहले ही दोनों कोरोना वायरस को हरा कर लौटे हैं, जिसके बाद विभिन्न हिस्सों में जाकर वे पूजा अर्चना कर ईश्वर से आशीर्वाद ले रहे हैं। यहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। वहीं विधायक एवं उनकी पत्नी का रास्ते में भी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से के साथ स्वागत किया। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल फूड बैंक की वजह से शिल्पांचल में जानी पहचानी जाती है। आज इस कड़ी में इजाफा करते हुए आरोग्य नाम से एक नई मुहिम का आगाज किया गया। ज़रूरतमंदों के दरमियान मुफ्त में दवाइयां तकसीम की गई। बुम्बा मुखर्जी, वसीमुल हक, साहेब मुखर्जी, रजत प्रसाद, टुंका भट्टाचार्य खास तौर से मौजूद थे। इंसानियत सोशल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से आज 300 ज़रूरतमंदों के दरमियान साड़ी लुंगी तकसीम किए गए। इस मौके पर वजीर मौलाना घटक उत्पल सिंह, सगीर कादरी, एडवोकेट शकील अंसारी और तंजीम के सदर सद्दाम खान खास तौर से मौजूद थे। लोग जानते हैं, एक तो नया पार्टी हम लोग का देश में जन्म लिया मीम करके, ये भाई उसी को जगह जगह पर भेजता है। हम लोग का पार्टी का भी कुछ आदमी को खरीद लिया कि माइनॉरिटी वोट को देखो कैसे बंटवारा किया जाए, तो इससे हम लोग को सावधान रहना है। एक जगह में बीजेपी का विरोध में ममता बनर्जी को मजबूत करना है वोट देके। अब पूरा देश में देखिए, पूरा देश में पहला दिन से नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहा, नरेंद्र मोदी का विरोध में लड़ रही है, तो उनका नाम है ममता बनर्जी। अगर कहेंगे तो और 1-2 घंटा लग जाएगा। देखा मां बहन लोग का शायद खाना पकाने का टाइम हो गया होगा, तो हम आज और ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे। सभी को मेरा धन्यवाद, सभी को बढ़िया रहिए, आप लोग का परिवार का तरक्की हो, आपका इलाका का तरक्की हो, आपका लड़का बच्चा का तरक्की हो,
इतना ही कहते हुए मैं समाप्त करता हूँ। आज श्रमिक नेता राजू अहलुवालिया के नेतृत्व में आसनसोल मिनी बस के कर्मचारियों की पूजा बोनस की मांग पर रैली निकाली गई। काफी संख्या में श्रमिक मौजूद थे। मां माटी मनुष्य की नीति ममता बनर्जी है। मालिकों ने जिस तरह से जुल्म किया है, आज कई दिन हो गए हैं जो है मिनी बसें आधा से ज्यादा चल रही हैं, आधा बंद रखी हुई हैं। अपनी मनमर्जी से मिनी बस के मालिक काम कर रहे हैं, वेलफेयर फंड का सही से दुरुपयोग कर रहे हैं। सही ढंग से श्रमिकों को वेलफेयर का पैसा नहीं मिल रहा है। कोई वर्कर बीमार हो रहा है तो उस वेलफेयर जमा दे रहा है, 6 महीने उसको चप्पल घिस जा रहा है, लेकिन उनको पैसा नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं चलेगा। जल्द से जल्द मिनी बस कर्मिकों को जो छटाई किया उसको वापस काम पर लेना होगा। पूजा बोनस जो है, दुर्गा पूजा का बोनस 10 तारीख के अंदर पूरा पूरी समस्त श्रमिकों को मिल जाना चाहिए, अन्यथा बेहतर आंदोलन होगा। हम लोग बार बार मालिक लोग से आवेदन कर रहे हैं कि जो हमारा जो है श्रमिकों के जो छटाई बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनका बोनस उनको दिया जाए। उनका जो वेतन है जो 6-7 महीने से उनको नहीं मिला है, वो जो है आप जल्द से जल्द उनको बेयर कीजिए और काम पर वापस लीजिए जो कर्मिक बैठे हुए हैं। अगर नहीं लेते हैं तो इस जो हम लोग आंदोलन उतरने के लिए बाध्य। अब अपने फेवरेट ब्रांड्स के टू व्हीलर के लिए हर जगह भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है आसनसोल बाइक बाजार ने। आसनसोल बाइक बाजार टू व्हीलर शोरूम एंड सर्विस सेंटर। लुक और स्टाइल की बात हो या हो माइलेज की, आपकी पसंद के मुताबिक हर ब्रांड के टू व्हीलर्स आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे। आसनसोल बाइक बाजार आपको देता है एक्सचेंज और फाइनेंस की फैसिलिटी, तो जिंदगी की रफ्तार को थमने ना दे। आज ही आए आसनसोल बाइक बाजार नियर हटन रोड मस्जिद आसनसोल। कॉन्टेक्ट नंबर 7047957275 एंड 9563900078। आसनसोल में पहली बार हर तरह के प्लेन कॉटन टी शर्ट के सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स द रॉन्ग सिस्टर्स। यहाँ आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी के प्रमोशनल टी शर्ट्स, कॉर्पोरेट टी शर्ट्स, प्रिंटेड टी शर्ट्स, पोलो टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, लेडीज टी शर्ट, टूडलर्स टी शर्ट, मेन्स वुमेन्स टी शर्ट, व्हाइट टी शर्ट, किड्स टी शर्ट्स। और ये सारे टी शर्ट्स होलसेल रेट में पूरे भारत में सप्लाई की सुविधा। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं 6296151310, 8777526685 एंड 8617750677। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, एसी रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियत मौजूद है। आज ही बुक करें। हमारा पता है आजाद नगर इस्माइल आसनसोल। कॉन्टेक्ट करें 9334098418768822128। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए तो फिर आज ही आए दी पेपरी। यहाँ आपको इंडियन चाइनीज में हर तरह के डिशेज का टेस्ट मिलेगा। इफ यू आर अ फूडी
and want to spend some time with your friends and family, then welcome to the Pepri. You can also order from Zomato and Swiggy at home. The Pepri, ground floor of Central Mall, opposite Big Bazaar, Asansol.